अजय देवगन की फिल्म रेड 16 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसमें अजय देवगन एक ऑनेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ नजर आ रही है इलियाना डिक्रूज और इसमें विलन बने हैं सौरभ शुक्ला। इस फिल्म को लगे हुए आज 15 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसके पहले दिन की कमाई थी 10.40 करोड़ रुपये और इसके दूसरे दिन की कमाई थी 13 करोड़ रुपए की और तीसरे दिन इसने कमाए थे 17.40 करोड़ रुपए। अब इसको 15 दिन लगे हुए हो चुके हैं तो इसके 15 दिन की कमाई है 90 करोड़ रुपए के आसपास। और आपको बता दें कि इसने 15th डे का कलेक्शन किया है मात्र 1 से 1.5 करोड़ रुपए का, क्योंकि इसके साथ रिलीज हो चुकी है बागी 2 और बागी 2 के रिलीज होने के बाद इसकी कमाई में थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है, क्योंकि बागी 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी साथ में नज़र आ रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म रेड अपने 100 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पार कर लेगी, लेकिन उसे अभी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बागी 2 उसके सामने आ चुकी है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अजय देवगन की फिल्म रेड में अजय देवगन का किरदार कैसा लगा। और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन, क्योंकि यहीं पर मिलती है बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।